पैदल जाना पड़ेगा। चेहरा बाहर निकालिए, चेहरा 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 बाहर निकालिए यार। बस 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 इधर ही लगाइए, इधर ही लगाइए। थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो बाबा, पीछे हटो। बस बस अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। इधर से पैदल जाना चेहरा बाहर निकालिए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैं वहाँ से रिजाइन करके आम आदमी पार्टी से उत्तर विधानसभा से इस समय लोगों के बीच में प्रत्याशी के रूप में हूँ और आज नामांकन करने के लिए आप जा रहा हूँ। तो डॉक्टरी पैसे में आप एम्बुलेंस से आए हैं यहाँ तक कैसे? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और इस समय जो हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक इमरजेंसी की हालत है और मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की व्यवस्था प्राथमिकता में आए और एम्बुलेंस से आने का यही उद्देश्य है कि इस चुनाव में, राजनीति में और लोगों के बीच में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच गई है, आम व्यक्ति जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, छोटा मोटा कारोबार करता है, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसे समय पर समुचित इलाज मिल सके। या तो पैसे के अभाव में या चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान होते हैं, अकाल मृत्यु का कारण बनती है ये दुर्व्यवस्था। तो मेरे एम्बुलेंस से आने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, राजनीति में स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता पर हो और मैं राजनीति में आया ही इसलिए हूँ कि स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता में हो। अभी यही कुछ पार्टियाँ कह रही हैं कि हम 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, फ्री करेंगे सबके लिए, फ्री कर। तो चलिए 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 70 चले 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 चले